दोस्तों जैसे जैसे AI को दिन प्रतिदिन एडवांस किया जा रहा है, वो दिन दूर नहीं जब ये इंसानों के लिए खतरा बन सकता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात वो लोग कह रहे हैं जो AI में सबसे आगे हैं, वही लोग हमें चेतावनी दे रहे हैं। दोस्तों डॉक्टर हिंटन, जिनको AI का गॉडफादर कहा जाता है, उनको खुद गम है कि वो इस टेक्नोलॉजी की नींव रखी थी, इस टेक्नोलॉजी को जन्म दिया था एक तरह से। लेकिन वो कहते हैं कि वो अपने आप को दिलासा देते हैं यही बात सोचकर कि वो नहीं तो कोई और ये रिसर्च कर देता। AI में जिस तरह से काम हो रहा है उसे देखकर लगता है कि ये बहुत जल्द इंसानों को पीछे छोड़ देगा। सबसे बड़ा खतरा यही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए चुनौती न बन जाए। AI को लेकर गूगल पिछले कई वर्षों से शांत रहा। दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट की सपोर्ट से OpenAI ने पिछले साल ChatGPT को लॉन्च कर दिया है। दोस्तों ChatGPT इसके बारे में तो जानते ही होंगे, ये एक AI सॉफ्टवेयर है जो आपके सवालों के हिसाब से सटीक जवाब देता है। ये पहले से फीड जवाबों को आप तक नहीं पहुंचाता, बल्कि उन्हें किसी इंसान की तरह एनालाइज करता है और तब जाकर आपको जवाब देता है। जब आप इससे सवाल जवाब करते हैं मानो आप किसी इंसान से ही बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों ChatGPT को खतरा मानने के पीछे कोई छोटी वजह नहीं है, दरअसल किसी इंसान के लिए इंसानी जैसा सोच डेवलप हो जाना वाकई में बड़ी बात है, और अगर इसमें किसी तरह की छेड़खानी हुई तो ये इंसानियत के लिए खतरा साबित हो सकता है। दरअसल ChatGPT सॉफ्टवेयर इंसानी समझदारी का प्रदर्शन कर चुका है, ऐसे में अगर इसे सावधानी पूर्वक इस्तेमाल ना किया जाए तो ये अपनी इसी काबिलियत की बदौलत इंसानों के लिए खतरा साबित हो सकता है। खुद से सही गलत का फैसला लेना ही इस टूल को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। दोस्तों थोड़ा सोच कर देखिए, जो मशीन हमसे ज्यादा स्मार्ट हो, हमसे ज्यादा हार्डवर्किंग तो पहले से ही है, अब उनका दिमाग भी हमसे ज्यादा तेज हो जाएगा, उनके पास हमारे जैसे फीलिंग्स आ जाएगा, तो हमारा क्या होगा, इंसान के भविष्य का क्या होगा? जिसके पास AI का नॉलेज होगा वो ज्यादा अमीर होते जाएगा, और जिसके पास AI का नॉलेज नहीं होगा वो पीछे ही रह जाएगा। आने वाले टाइम में इंडिया के ऊपर कितना बुरा और कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा ये देखने से पहले थोड़ा और डिटेल्स में समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। AI को बनाने वाला आज खुद ही क्यों डर रहा है अपने आविष्कार से? दोस्तों AI को जिसने बनाया है उनको खुद गम है कि उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बनाया है और इस पर काम किया था, क्योंकि AI पहले ही कॉल सेंटर्स, पर्सनल असिस्टेंट, ट्रांसलेटर जैसे लो लेवल नौकरियों को खा रहा है, और कल और भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क जैसे रिसर्चर्स, एनालिस्ट, ट्रेडर्स की नौकरियां भी ले लेगा। अगर आने वाले कल में यही AI इंसानियत के लिए भी खतरा बनके हमारे सामने आ जाएगा, अगर हमने इसे अंडरएस्टिमेट या फिर इसे कंट्रोल नहीं कर पाया, तो मशीन्स के पास 21st सेंचुरी में वो सब खूबियां हैं जो इंसानों के पास हुआ करती थी, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इसके अलावा आज के डेट में कॉम्प्लेक्स मशीन डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर में भी मदद कर रही है। मशीन और इंसान के बीच में एक ही डिफरेंस रह गया है और वो है सोचने और समझने की शक्ति। लेकिन अब इस डिफरेंस को भी मिटा रहा है AI, क्योंकि इनपुट के बिना भी एक कंप्यूटर खुद से सोच सकता है, अपने जरूरत के हिसाब से अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इन्फॉर्मेशन उठा सकता है और फिर अपने आप को खुद को ही सिखा सकता है और ट्रेन कर सकता है, बिल्कुल इंसान की तरह। मशीन लर्निंग वो प्रोसेस है जिसे मशीन खुद अपने आप को सिखा लेता है। जैसे हमारे शरीर में न्यूरॉन्स होते हैं वैसे मशीन्स के अंदर भी न्यूरल नेटवर्क होता है, जिसकी वजह से मशीन्स के अंदर भी सोचने और समझने की ताकत आ जाती है। इसे और भी ज्यादा बेहतर तरीके से जानने के लिए इस AI को 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला रिएक्टिव मशीन, जो कि सबसे बेसिक AI सिस्टम होता है, वो आपके मूवमेंट के हिसाब से मूव करती है, जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड चेस गेम, जो कि आपके मूवमेंट के हिसाब से आपके अगेंस्ट मूव करता है। दूसरा लिमिटेड मेमोरी मशीन, जो कि रिएक्टिव मशीन से थोड़ा एडवांस होता है, ये सिर्फ आपके प्रेजेंट मूवमेंट के ऊपर मूव नहीं करता, बल्कि इसके पास आपके पास बिहेवियर का भी पूरा रिकॉर्ड होता है, जो कि किसी ऑब्जेक्ट या किसी भी सिचुएशन को मॉनिटर कर सकता है और उसके बेसिस पर मूव करता है। इसका परफेक्ट एग्जांपल है सेल्फ ड्राइविंग कार। इसमें लगी हुई मशीन सामने वाली कार की मूवमेंट, आपकी ड्राइविंग हिस्ट्री और सारे ट्रैफिक नियम और रूल्स को देखते हुए गाड़ी को कैसे चलाना है ये डिसाइड करता है। तीसरा थ्योरी ऑफ माइंड, इस तरह का AI सिस्टम ह्यूमन के माइंड और उसके बिहेवियर को पढ़ सकता है और उसके बेसिस पे वो आपको ओपिनियन दे सकता है। और इस टेक्नोलॉजी का यूज करके सोफिया ऐसे रोबोट को बनाया गया है और सऊदी अरब ने इसे सिटीजनशिप भी दे दिया है। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि रोबोट टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ चुका है, जो रोबोट हमें समझ पाए, हमारे फीलिंग्स को समझ पाए, बिल्कुल इंसान की तरह। चौथा सेल्फ अवेयरनेस, इस तरह का फ्यूचर AI सिस्टम पर अभी काम जारी है। इस टाइप का AI सिस्टम खुद सोचने के साथ साथ एनालाइज भी कर सकता है, डिसीजन ले सकता है और ट्रू इमोशन को पकड़ भी सकता है। इमेजिन करो कि एक ऐसा रोबोट जिसके पास सेल्फ अवेयरनेस है, खुद की इमोशंस है और डिजायर है। इंसान की इमोशन और चाहत को समझना और रोबोट के अंदर खुद की इमोशन होना, ये हम एक अलग ही लेवल की बात कर रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में ऐसी AI सिस्टम को बनाया जा रहा है जिसके ऊपर रिसर्च जारी है, तो आप लोग सोच कर देखिए आने वाले कुछ ही सालों के अंदर AI का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ह्यूमन के ऊपर। इस मॉडर्न AI सिस्टम की वजह से हमारे देश में सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। इसका मतलब आने वाले टाइम में बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाएगी, यह तो पक्का है, खास करके अकाउंटेंसी, मार्केट रिसर्च और ग्राफिक डिजाइनर जैसे इंडस्ट्रीज, जहां पे आने वाले टाइम में AI की वजह से जॉब लॉसेस पक्का है। नैसकॉम की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश के जो टेक वर्कर हैं उनके पास वो बेसिक नॉलेज पहले से ही है, जिसके दम पर आपको AI पावर हाउस बना सकते हैं। अगर हम अपने आप को थोड़ा रिस्किल कर लिया तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अभी के टाइम पे AI रिलेटेड टैलेंट की डिमांड ग्लोबल मार्केट में काफी ज्यादा है। जहाँ एक तरफ कंपनी एम्प्लॉय को छांट रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने AI टीम के लिए काफी ज्यादा एम्प्लॉयज हायरिंग भी कर रहे हैं।
टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने भी कहा है कि एआई एक डिसरप्टर है जो कि आने वाले टाइम में काफ़ी सारे जॉब्स और काफ़ी सारे स्किल्स को इम्पैक्ट करेगा। ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम ने अपनी एक रिपोर्ट में 45 कंट्री में 800 कंपनी में बैठे 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों पर एक सर्वे किया और उनकी रिसर्च ये कहती है कि आने वाले सालों में एआई 25% जॉब्स को इम्पैक्ट करेगा। जहाँ 69 मिलियन नए जॉब क्रिएट होंगे एआई की वजह से, वहीं 83 मिलियन जाएंगे भी एआई की वजह से, मतलब 14-15 मिलियन जॉब जाएंगे ही एआई की वजह से, ये तो पक्का है। लेकिन हम चाहें तो इस एआई की लड़ाई में आगे हो सकते हैं एज ए ह्यूमन और एज ए कंट्री, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा अपस्किल होना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के साथ साथ खुद को अपडेट करना पड़ेगा और खुद के हिसाब से नए स्किल को सीखना पड़ेगा, एआई रेडी होना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले टाइम में बुरी तरह से इंसान के ऊपर एआई का इफेक्ट आने वाला है। तो दोस्तों इस पे आपका ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।